छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में गुरुवार रात NH 130 पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं क्लीनर कैबिन में बुरी तरह फंस गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे गाड़ी से निकाला जा सका। लखनपुर के कुंवरपुर जलाशय के पास संकेतक नहीं होने के कारण अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। हादसे में घायल हुए क्लीनर की हालत बेहद गंभीर है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी नंबर BR06GC9663 बलौदा बाजार में सीमेंट लोड कर उत्तर प्रदेश के बनारस जा रहा था। ट्रक में ड्राइवर निकेश पटेल और क्लीनर अविनाश शर्मा सवार थे। जैसे ही ट्रक सरगुजा में NH 130 पर कुंवरपुर जलाशय के मोड़ के पास पहुंचा तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि यहाँ सड़क निर्माण का काम लंबे समय से हो रहा है, जिसके बाद सड़क बेहद खराब है। इसके बावजूद यहाँ कोई संकेतक नहीं लगाया गया है। ट्रक तेज रफ्तार में था और वो खराब सड़क पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे हादसा हुआ। ट्रक पलटने से कैबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें क्लीनर फंस गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कैबिन में फंसे क्लीनर अविनाश को उसमें से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। लखनपुर थाने के SI अरुण गुप्ता ने बताया कि मृतक निकेश पटेल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का रहने वाला था। उसके परिजनों को दुर्घटना की सूचना दे दी गई है। परिजन वहां से छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए हैं। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।